जो हमारा था न्यूमेरिकल्स, ओके, वो जो हमने कल लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट किए थे, वो जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने चार न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट किए थे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स था वो था अकॉर्डिंग टू क्लैपेरॉन इक्वेशन, ओके, और फिर बाकी के तीनों के तीनों जो न्यूमेरिकल्स थे वो थे अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन, ओके। तो उसमें अगर हमने जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन के रिलेटेड जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट किया था इन लास्ट लेक्चर, उसमें हमको प्रेशर दिया था, दोनों प्रेशर हमारे पास दिए हुए थे वैल्यू में, दोनों टेम्परेचर दिए हुए थे T1 T2 भी दिया हुआ था, और हमने फाइंड आउट किया था LV, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके। नाउ उसके बाद फिर हमने जो न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल्स काउंट किया था दैट इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन, बट उसमें क्या था, हमको एक टेम्परेचर नहीं दिया हुआ था, ओके। तो हमने सब उसमें क्या फाइंड आउट किया था, T1 फाइंड आउट किया था, T2 दिया हुआ था, P1 P2 एंड देन अनदर वन इज डेल्टा H और वी कैन से LV, ओके। तो वो भी हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने थर्ड न्यूमेरिकल जो कैलकुलेट किया था वो सेम इसके रिलेटेड था, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन क्लॉसियस, बट उसमें क्या था डिफरेंस, उसमें हमने प्रेशर फाइंड आउट किया था, प्रेशर एक प्रेशर दैट इज P1 हमारे पास नहीं था, P2 था, T1 T2 एंड LV, ये सारी चीजें हमको वैल्यू में दी गई थी, और हमको ओनली क्या फाइंड आउट करना था दैट इज फॉर ओनली वन थिंग दैट इज P1। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको P1 फाइंड आउट किया है, ओके, तो अगर आपने प्रेशर फाइंड आउट किया हुआ है तो आपको उसमें क्या करना है, सपोज आपने अगर प्रेशर फाइंड आउट किया है तो उसका जो यूनिट है, जो कोई भी वैल्यू यहाँ पे आती है उसका यूनिट लिखना है आपको। सपोज आपको वैल्यू में यूनिट दिया हुआ है मिलीमीटर, ओके, तो यहाँ पे भी आपका जो वैल्यू आता है लास्ट फाइंड आउट करते हो प्रेशर, उसमें जो वैल्यू मिलता है उसके पीछे भी आपको क्या लगाना है, मिलीमीटर, ओके। अगर आपको वैल्यू में दिया हुआ है एटमोस्फियर, ओके, अगर आपको P2 की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है एटमोस्फियर, अगर आप P1 की फाइंड आउट करते हो देन उसके जो आपको वैल्यू मिलती है P1 की, तो उसके पीछे आपको कौन सा यूनिट लगाना है, दैट इज कॉल्ड एटमोस्फियर, ओके। नाउ ये हुआ प्रेशर, देन हमने टेम्परेचर के रिलेटेड भी कैलकुलेट किया था, तो T1 या तो T2, सपोज हमने T1 फाइंड आउट किया था और T2 हमको वैल्यू में दिया हुआ था, अगर T2 हमको वैल्यू में सेल्सियस में दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे हमको किसमें कन्वर्ट, किसमें लिखना है, सेल्सियस में, बट यहाँ पे हमको T2 सेल्सियस में दिया है तो हमने T2 को किसमें कन्वर्ट किया है, केल्विन में, तो आपको जो T1 की वैल्यू मिलेगी वो किसमें होगी, केल्विन में, और केल्विन में से आपको अगर सेल्सियस में
आउट करना है. ओके, दिस इज द फॉर न्यूमेरिकल नंबर 7. ओके, नाउ 8 नंबर क्या लिखा हुआ, पहला हमने स्टडी करते हैं क्या लिखा हुआ है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 353 केल्विन. कैलकुलेट रिड्यूस प्रेशर एट 330 केल्विन टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन. ओके, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कितना है 353 केल्विन. एंड कैलकुलेट रिड्यूस प्रेशर एट 330 केल्विन टेम्परेचर. ओके, पहले यहाँ तक हमने जो रीड किया हुआ है इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले जो इनके यूनिट से अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं. तो पहले तो लिखा है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट मीन ये हमको पता नहीं है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P1 है या P2 है, बट हम ये T1 और T2 हमको यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, दो टेम्परेचर दिया हुआ है तो हमको पता चल जाएगा कि वो P1 है या P2 है, राइट. ये जो वैल्यू दी गई है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, हमको P1 फाइंड आउट करना है या P2 फाइंड आउट करना है, कोई एक प्रेशर हमको दिया हुआ है और दूसरा हमको फाइंड आउट करना है. ओके, तो ना क्या लिखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 353 केल्विन एंड कैलकुलेट रिड्यूस प्रेशर 330 केल्विन. अब ये 353 केल्विन एंड 330 केल्विन, तो 330 केल्विन दैट इज ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड T1, तो यहां ये क्या हो जाएगा T2. अगर ये T2 है तो इसके साथ ये रिलेटेड है क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 353 केल्विन. ओके, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनका कितना टेम्परेचर है 353 केल्विन, मींस ये T2 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा P2. तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू क्या है 353 केल्विन, T1 इज इक्वल टू क्या है 330 केल्विन, और P2 1 एटमॉस्फेरिक दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज कॉल्ड 7600 मिलीमीटर. नाउ हमको फाइंड आउट करना है P1. ओके, बट हमको और भी कुछ वैल्यू चाहिए, हमें तो हमको P1 ही है, P1 फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, राइट. तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा है यूज्ड टोटल फ्लो टू डिटरमाइन डेल्टा एच. ओके, हमको टोटल फ्लो को यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहले डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू 26 EU. ओके, तो टोटल फ्लो जो इक्वेशन है, टोटल फ्लो का इक्वेशन क्या हुआ, क्या था, LV इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू TV इंटू 21, बट यहाँ पे तो डेल्टा एच दिया हुआ है. ओके, तो ये जो मैंने आपको करवाया था ये थियरी, तो उसमें कुछ ऐसा भी आया था डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी, ऐसा भी मैंने थियरी में आपको करवाया हुआ था. ओके, सो यहाँ पे आपको डेल्टा एस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू टोटल फ्लो का यूज करके आपको डेल्टा एच पहले फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे करेंगे, डेल्टा एस आपको दिया हुआ है कितना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 26 EU. ओके, नाउ डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या है अकॉर्डिंग टू टोटल फ्लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी, यहाँ पे डेल्टा एस हमको मिला हुआ है कितना है 26, तो देयरफॉर 26 इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 353 केल्विन. ओके, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू 26 इंटू 350, देयरफॉर क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू आपको डेल्टा एच की वैल्यू मिली है कितनी है 9178.
ये सारी वैल्यू ये
P1, P2 ये सब कुछ हमको दिया हुआ है, बट यहाँ पर हमको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वन इज द कैपिटल, अनदर वन इज डेल्टा जी जीरो। ऑल्सो यहाँ पे डेल्टा जी जीरो है, यहाँ पे KP2 है, डेल्टा एच है, KP1 है, T1 है, T2 है, इट मीन्स इक्वेशन कौन सा आएगा। ओके ये आपको क्वेश्चन होगा ना कि इक्वेशन कौन सा आएगा, क्योंकि दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, KP2 भी फाइंड आउट करना है और डेल्टा जी जीरो भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, हमारा जो थर्ड इक्वेशन था अकॉर्डिंग टू क्लैपेरॉन, वो जो हमारा
ओके Kp2, तो Kp2 कौन से इक्वेशन में आता है? तो दैट इज अकॉर्डिंग टू वन ऑफ आइसो कोर इक्वेशन। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वन ऑफ आइसो कोर इक्वेशन log Kp2 / Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा h / 2.303 * r T2 - T1 डिवाइडेड बाय T1 * T2। अब ये इक्वेशन हमको पता है, राइट? इसी इक्वेशन में हमको जो वैल्यू दी गई है वो पुट करना है। यहां पे क्या लिखा है? log Kp2 / Kp1। ओके, log Kp2, Kp2 हमको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिखेंगे log Kp2 डिवाइडेड बाय Kp1। Kp1 की वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, कौन सी है? 50.62 is equal to, that is delta H. Delta H की वैल्यू कितनी है? 4100 कैलोरी, 4100 डिवाइडेड बाय 2.303 * r, that is 1.987 T2। कितना हुआ? कितना है यहाँ पे दिया हुआ है? 773 कैलोरी माइनस 716 डिवाइडेड बाय 716 * 773। ओके, तो अगर हम ये 410 डिवाइडेड बाय इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना मिल रहा है वैल्यू? 4.576 * ये 773, इसका इसमें से माइनस करेंगे तो 57, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू मिल गई। ओके, और ये जो 57 है डिवाइडेड बाय ये कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू मिल रही है उसकी? 0.00102। ओके, नाउ log Kp2 e अपॉन log Kp2 अपॉन 50.62 इज इक्वल टू, ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू और या इसका डिवाइडेड करते हैं और ये जो वैल्यू मिलती है उसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितनी वैल्यू मिल रही है? 0.089। ओके, नाउ Kp2 अपॉन, ये तो log है, log Kp2 अपॉन 50.62, और हमको तो ओनली किसमें चाहिए वैल्यू? ओनली फॉर द Kp2, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओनली फॉर द Kp2। तो इसका साथ क्या लेंगे हम? एंटी लॉग। तो क्या होगा? Kp2 अपॉन 50.62 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.089। 0.089 का अगर हम एंटी लॉग निकालते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू मिल रही है हमको? 1.227। नाउ हमको तो फाइंड आउट करना है Kp2, तो Kp2 फाइंड आउट करना है तो वैल्यू सामने चली जाएगी, तो क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेशन? तो देयरफॉर Kp2 इज इक्वल टू 1.227 * 50.62, therefore Kp2, that is यहाँ पे कौन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको मिल रहा है? कितना मिल रहा है Kp2? 62.13। ओके, 62.13 ये हमको मिल रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर? एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, नाउ ये जो पूरा न्यूमेरिकल्स है हमने आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स किए इससे अलग है, बिकॉज ऑफ हमने जितने भी आगे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट किए थे उसमें हमने क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड क्लैपेरॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन का यूज करके पूरे न्यूमेरिकल्स किए थे। ये पूरा जो न्यूमेरिकल्स है उसमें हमने दो इक्वेशन, पहले तो हमको इसी इक्वेशन में दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक फाइंड आउट करना है Kp2 वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेकंड फाइंड आउट करना है डेल्टा G0, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ओके, दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमको पता है डेल्टा G0 का इक्वेशन क्या है, और अगर Kp2 है डेल्टा H का T1 T2 और Kp1 दिया है तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है? ओके, तो डेल्टा G0 है तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ आइसो सम इक्वेशन दैट इज डेल्टा G0 = -ITL / Kp एंड, और हमको Kp2 फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू वन ऑफ आइसो फॉर इक्वेशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ आइसो फॉर इक्वेशन इक्वेशन हमने लिख दिया, सारी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमको क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kp2 एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो मिल रहा है 16.62.13, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मिल रहा है -556.9 कैलोरी। ओके, हर जगह पे आपको अपना यूनिट लिखना कंपलसरी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो कांस्टेंट है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, तो उसके पीछे हमको हमने कोई यूनिट नहीं लगाया, बट यहाँ पर हमने डेल्टा जी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को हमने फाइंड आउट किया तो उसका एक यूनिट है दैट इज कॉल्ड कैलोरी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये पूरा जो मैंने
और बिकॉज ऑफ ये हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट के साथ. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू व्हिच इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कौन सा इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू टोटल इक्वेशन, t इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन डेल्टा s. द हमको तो t फाइंड आउट करना है, तो क्या है डेल्टा h 9720 डिवाइडेड बाय डेल्टा s 26, तो t हमको क्या मिल रहा है 373.8 केल्विन. और ये जो केल्विन का हमको टेंपरेचर है, एक केल्विन में मिला है टेंपरेचर की वैल्यू, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा 373.8 माइनस 273 केल्विन, इट मींस हमको कितना मिल रहा है T इज इक्वल टू 100.8 सेल्सियस. ओके इट मींस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वी नो दैट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली हमको मिल रहा है 100.8 डिग्री सेल्सियस. ओके तो ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स है इट्स वेरी इजी, और दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स है. ओके जो दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, और उसके हमको क्या फाइंड आउट करना है, दोनों में टेम्परेचर ही फाइंड आउट करना था, और कौन सा इक्वेशन यूज करके अकॉर्डिंग टू टोटल इक्वेशन. यहाँ पे हमको कोई सॉलिड या लिक्विड नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो कैलोरी, यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है वो कैलोरी पर मोल में ही दी हुई है, बट यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू किसने दी हुई है, कैलोरी पर ग्राम, बट यहाँ पे एक दिया हुआ है लिक्विड दैट इज कॉल्ड वाटर. ओके वाटर का मोलिकुलर वेट 18 है, तो जो हमको वैल्यू दी गई उसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे उनके मोलिकुलर वेट से, और हमको जो वैल्यू मिलेगी उसी वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे. राइट यहाँ पर हमको जो टेम्परेचर है वो दोनों टेम्परेचर किसमें मिला था, केल्विन में, और फिर हम उसको किस पर कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस में, और केल्विन में से अगर टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है माइनस 273 केल्विन. ओके नाउ ये दोनों न्यूमेरिकल्स